अस्सलामुअलैकुम। इस बकरीद ज़रूर बनाइए। प्रेशर कुकर में झटपट बनने वाला चटपटा सा खीमे का पुलाव बहुत मज़ेदार होता है। ये स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करिए, चावल भी खिले खिले बनते हैं। ऐसे ही मज़ेदार बकरीद स्पेशल रेसिपीज देखने के लिए चैनल कुक विद फैमिली सब्सक्राइब कर लें अभी। खीमा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें डालिए 4 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद इसमें डालिए शाहजीरा 1 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, दालचीनी के 2 पीसेस, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 तेज पत्ता। स्पाइसेस डाल दें और 10 से 15 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे इसे सॉटे कर लें। इसी के साथ एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज भी डाल दें। प्याज का रंग गोल्डन आने तक फ्राई करते जाइए हाई फ्लेम पे ही। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे अच्छे से भून लें। अच्छे से भूनने के बाद इसमें 300 ग्राम खीमा डाल दें, मटन खीमा, या आप चिकन खीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डाल के भूनते जाइए। इसी के साथ हम खीमे में थोड़े से ड्राई मसाले भी डाल देते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक डालिए 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसे अच्छे से भूनिए। फ्लेम को हाई पे रख के भूनते जाइए इसे 2 से 3 मिनट के लिए। कीमे को मसालों के साथ अच्छे से भूनने के बाद इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर डाल दें। टमाटर डालने के बाद फिर से टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनिए। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसके ऊपर लिड बंद करके 5 से 6 सीटी आने दें। 5 से 6 सीटी आ चुके हैं, खीमा हमारा अच्छे से गल गया है 80-90% तक। बाद में चावल के साथ दम में गल जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने चावल इस कप से 2 कप लिए हैं। चावल का वजन 400 ग्राम है तो पानी इसी कप से 3 कप डालने वाले हैं। 2 कप के लिए 3 कप पानी। 1/2 नींबू का रस डालिए, थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च, फिर से थोड़ा सा नमक डाल दें इसमें चावल के लिए। अच्छे से मिक्स करिए, इसमें उबाल आने दें। मैंने बासमती चावल 1/2 घंटे के लिए भीगने रखा था, 400 ग्राम 2 कप। पानी में उबाल आ चुका है, भीगे रखे हुए चावल इसमें डाल दें। चावल डालने के बाद एक बार मिक्स करिए, इसके ऊपर लिड बंद करके सीटी लगा दें। सीटी लगा के हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने दें। 2 सीटी आने के बाद फ्लेम बंद कर दें। थोड़ी देर के बाद खोल के देखिए, परफेक्टली चावल हमारे पक जाएंगे। 2 सीटी आ चुके हैं, गर्मा गर्म पुलाव हमारा रेडी है। देखिए दाना दाना खिला खिला बना है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है और कितनी आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। देखिए इसे आप दही की चटनी के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए, बगारे बैंगन के साथ खाइए, लेकिन बनाइएगा जरूर। देखिए नीचे से भी बिल्कुल भी नहीं पकड़ा है, है ना, बहुत ही ज्यादा आसान चटपटा सा खीमे का पुलाव। अभी से जरूर ट्राई करें इस बकरीद। कमेंट में बताएं रेसिपी कैसी लगी, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।